सो हे गाईज वेलकम बैक टू लॉकडाउन ब्रोज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इंटरव्यू क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस इंटरव्यूज कोई भी कंपनी में बैठोगे शायद से क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस किया होगा तो ही आपको इसका आंसर पता होगा नहीं तो आप नहीं बता पाओगे जो कि है बहुत छोटा पर है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाता है टीसीएस में केपजे में इन्फोसिस में अभी मेरे को पता चला है शायद नोकिया में भी तो so, कंपनियों में ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी हो सकता है आपकी फ्यूचर कंपनी में भी ये पूछा जा, जाए तो क्वेश्चन uh, का नाम है वॉट इज द साइज ऑफ एन एम क्लास और एन एम स्ट्रक्चर इन सी एंड सी प्लस प्लस वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सो ये है क्वेश्चन एक एम क्लास या फिर एम स्ट्रक्चर का डिफर साइज uh, अगर निकालेंगे तो क्या होगा साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके अगर अपन निकालेंगे तो सी में क्या आंसर आएगा और सी प्लस प्लस में क्या आंसर आएगा तो अगर अपन देखें जो कि मैं अभी कंपाइलर uh, uh, नहीं दिखा रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंपाइलर ऑनलाइन जी डी हम लोग गए हैं और हम लोग ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें एंटी मेन है एक स्ट्रक्चर है जिसकी सिर्फ बॉडी खाली है और स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ठीक है उसी स्ट्रक्चर का और यहां पे हम लोग साइज ऑफ प्रिंट कर रहे हैं उसका ओके अगर आप यहां पे देखोगे तो इसमें सिर्फ तीन लाइन है और यहां पे अपन इसमें क्यों मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को जी प्लस प्लस और जीसीसी से कंपाइल करके नहीं दिखाना था एक ही स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिखाना है तो आप देखोगे तो सी में अभी मैंने कंपाइल किया और रन कर रहा हूं मैं यहां से ठीक है मैं रन करूंगा तो आप देखोगे साइज ऑफ एम टी स्ट्रक्चर इज जीरो अगर मैं यहां से सी प्लस प्लस कर देता हूं और रन करता हूँ तो आप देखोगे रिजल्ट चेंज हो गया है साइज ऑफ एम स्ट्रक्चर इज वन मैंने कोड में कुछ भी चेंज नहीं किया है और फिर भी यहाँ पे वन और जीरो का अंतर आ गया है करेक्ट देखो एक और बार तो इसका रीजन अभी मैं आपको बताता हूं आ, इसके बाद आ, ये क्वेश्चन काफी इजी है मतलब लेकिन काफी अच्छा है अगर ट्रिकी क्वेश्चन है अगर आपने किया होगा देखा होगा तो ही आपको इसका आंसर पता होगा ठीक है तो ये होता इसलिए है अभी जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे तो ये होता इसलिए है क्योंकि सी में जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था आपको पता ही होगा कॉलेज से भी निकले होंगे तो बहुत बार सुना होगा कि सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो देर इज अ वर्ड विच स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट करेक्ट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से साइज जो अभी मैंने आपको दिखाया वो सी प्लस प्लस में वन होता है और इस सी uh, में होता है जीरो ठीक है क्यों होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई रिलेशन होता नहीं है सी में तो जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो कोई भी एक क्लास बनाएंगे तो हो सकता है हम उसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे और ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो हो सकता है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट ना बनाएं दो तीन ऑब्जेक्ट्स बना दें करेक्ट तो जब दो तीन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो कंपाइलर को पता होना चाहिए हम कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट uh, कर रहे हैं अभी के अभी ठीक है तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक बाइट ऑफ मेमोरी ठीक है एक बाइट ऑफ मेमोरी हम लोग बताएंगे कि ये क्लास के लिए है ये इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के लिए है वो कंपाइलर को पता होना चाहिए इसलिए हम लोग ये पूरा आ, रखते हैं जिसका वजह से एक आता है साइज सी प्लस प्लस में और दूसरा आता है सी तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा होपफुली ये तीन या चार पाँच मिनट का वीडियो रहेगा जो कि आपको क्विकली एक आंसर बताएगा इंटरव्यू का मैं इसको शॉर्ट में भी डालूंगा हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वी आर नियरिंग 500 सब्सक्राइबर्स वेरी सून ट्राई कर रहे हैं जितना भी हो सकता है वीडियो बनाने का तो अगर आप देखेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए आपके जो भी सी प्लस प्लस के इंटरव्यू में जो भी बंदे आपके दोस्त बैठ रहे हैं तो अच्छा रहेगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज इट वॉज रियली फन गिविंग यू दिस लेक्चर थैंक यू थैंक यू सो मच